हाँ बच्चों, के एन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास इलेवेंथ में मॉडिफिकेशन ऑफ टाइप रूट पढ़ेंगे। ये लेसन नया शुरू हुआ था, लेसन फाइव, ये पार्ट फोर उसका है। मॉडिफिकेशन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पौधों की आकार की है मॉर्फोलॉजी, जिसको मॉडिफिकेशन, जिसमें रूट्स पढ़ा गया, रूट्स के टाइप पढ़ा गया। अब जो है हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में टाइप रूट का मॉडिफिकेशन आज पढ़ेंगे। मूसला जड़ का रूपांतरण, मूसला जड़े आपको बताया गया था कि ऐसी जड़ें जिसमें प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक जड़ें पाई जाती हैं, उन जड़ों को मूसला जड़ें कहते हैं। प्राथमिक द्वितीयक प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रूट आर प्रेजेंट इन नोन एज दी टाइप रूट सिस्टम, इस तरह की व्यवस्था को मूसला जड़ तंत्र के नाम से जानते हैं। जैसे सरसों, चना, मटर, अरहर की जड़ों को उखाड़ने पर, निकालने पर देखते हैं कि एक मुख्य जड़ होती है, उससे फिर दूसरी जड़ें, और उन दूसरी जड़ों से तीसरी जड़ें निकली होती हैं, जिनको क्रमशः प्राथमिक जड़ें, द्वितीयक जड़ें, तृतीयक जड़ें, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट कहते हैं, और इसको सामूहिक रूप से मूसला जड़ तंत्र टाइप रूट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो देयर आर मेनी मॉडिफिकेशन ऑफ टाइप रूट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, कार्यकी की दृष्टि से जो है मूसला जड़ों के भिन्न भिन्न रूपांतरण है। जैसे सबसे पहला रूपांतरण है नॉडुलेटेड टाइप, ग्रंथिमय मूसला जड़ें। ग्रंथिमय मूसला जड़ें बच्चों, ये फाउंड इन फैमिली लेगुनेसी कुल, एक फैमिली हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो फैमिली लेगुनेसी कुल को तीन उपकुलों में बांटा गया है, पाइपिलोनेटी, सीजल पिनोइडी, मिमोसोइडी। तो जो पाइपिलोनेटी उपकुल है उसमें मटर, चना, अरहर इत्यादि आते हैं। तो इस लेगुमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में ग्रंथिमय संरचनाएं होती हैं, गोल गोल कांठे जैसी, गांठ जैसी संरचना होती है नॉड्यूल्स, जिसको नॉड्यूलेटेड टाइप रूट ग्रंथिमय मूसला जड़ कहते हैं। और ये नॉड्यूल्स जो होते हैं, ग्रंथियां जो होती हैं, बैक्टीरिया को वास करने के लिए स्थान देती है, हैबिटेट देती हैं, और इसी नॉड्यूल्स में जीवाणु वास करते हैं, और ऐसे जीवाणु वास करते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उसके अवयवी भागों नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित करके मृदा में स्टोर कर देते हैं। इस तरह की जड़ों को नॉडुलेटेड रूट, और इस तरह के जीवाणुओं को जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। जैसे राइजोबियम इत्यादि ऐसे जीवाणु हैं जो लिग्नेसी कुल के सदस्यों की जड़ों नॉड्यूल्स में वास करते हैं, और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल के उस पौधे की जड़ों को दे देते हैं। वो पौधे तो अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं नाइट्रोजन रिक्षों के, लेकिन उनकी जीवन चक्र पूर्ण होने के बाद जड़ें मृदा में रहती हैं, और मृदा सॉइल जो है नाइट्रोजन रिच होकर के इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है, और इस तरह के संबंध को सिम्बियोसिस सहजीवन कहते हैं, और इस तरह के जीवाणु को सिम्बियाटिक बैक्टीरिया सहजीवी जीवाणु कहते हैं। दीज प्लांट रूट, इस पौधों की जड़ें हैविंग रूट नॉड्यूल्स, जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसमें हाइजिन सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, जिसमें सिम्बियोटिक सहजीवी जीवाणु वास करते हैं, और ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। हम जानते हैं कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, जिसका उपयोग प्रत्यक्ष रूप से सभी पौधे नहीं कर पाते। कुछ पौधे जो लेगुनेसी कुल के सदस्य, जो आपको चना, मटर, अरहर बताएं, इन पौधों की जड़ों में जो नॉड्यूल्स है वही विशेष जीवाणुओं को रहने के लिए स्थान सिम्बियोसिस देते हैं, जिससे वो जीवाणु इन पौधों को वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित करके स्टोर कर देते हैं जड़ों में। इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, जिससे मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है। तो ये जीवाणु लेग्यूम जड़ों के बीच सहजीवन का एक अच्छा उदाहरण है। दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिम्बियोसिस।
इन रूट्स, इन जड़ों में जो है ये जीवाणु सजीवन का एक अच्छा उदाहरण प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब दूसरा जो है बुटरस रूट, पुष्टा जड़े बच्चों, बुटरस रूट सम प्लांट फैमिली फाइकेस, कुछ पौधे होते हैं फाइकेसी कुल के जड़ों, ये तनों के आधारी भाग से कुछ ऐसी जड़ें होती हैं जो तने के आधारी भाग से मृदा के ऊपरी सतह पर क्षैतिज फैली होती हैं, मृदा के ऊपरी सतह पर क्षैतिज फैलती हैं, इन जड़ों को क्षैतिज ग्रोथ वृद्धि करती हैं, इनको बुटरस रूट पुष्टा जड़ें कहते हैं। और ये क्या करती हैं, गिव द सपोर्ट ऑफ प्लांट, ये पौधे को सपोर्ट सहारा देने का कार्य करती हैं। तो पुष्टा जड़ें टेक पार्ट प्रोसेस ऑफ सपोर्टिंग द प्लांट लाइफ, ये पौधे के जीवन चक्र में प्लांट को सपोर्ट देने का कार्य करती हैं, जैसे फाइकस है, गुलर है, सेमल है, पीपल है, इन पौधों की जड़ों, इन पौधों के तनों के आधारी भाग से ये जड़ें निकलकर मृदा पर क्षैतिज फैल करके इनको सपोर्ट सहारा देने का कार्य करती हैं। तो बच्चों ऐसी जड़ों को पुष्टा जड़ें कहते हैं। दूसरा रिस्पायरेटरी रूट आर निमाइटोफोर्स श्वसन मूल, निमाइटोफोर्स आर रिस्पायरेटरी रूट आर श्वसन मूल। बच्चों ये जड़ें सबसे पहले निगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, निगेटिवली जियोट्रॉपिक का अर्थ ये है ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं, सामान्यतः जड़ें धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं क्योंकि मृदा में अंधकार के तरफ ये वृद्धि करती हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती हैं। लेकिन ये जड़ें निगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, इसका अर्थ ये है कि ये मृदा से बाहर निकली हुई होती प्रकाश की तरफ, तो ये पॉजिटिवली जो है फोटोट्रॉपिक होती है। तो इस तरह से ये जड़ें उन पौधों में होती हैं जो दलदली स्थानों पर उगते हैं, उस दलदली स्थानों में ऑक्सीजन की कमी रहती है दलदली मृदा में, और ये जड़ें बाहर की तरफ निकलकर खूंटीदार होती हैं, और इन जड़ों में बहुत से छिद्र पोर्स पाए जाते हैं, देयर आर मेनी पोर्स बियरिंग दिस टाइप ऑफ रूट, बहुत से छिद्र धारण करती हैं और टेक पार्ट इन प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज, O2 CO2 के चेंज में भाग लेती हैं, अर्थात डायरेक्टली टेक पार्ट इन प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से श्वसन क्रिया में भाग लेती हैं, इसीलिए इसको रिस्पायरेटरी रूट श्वसन मूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, राइजोफोरा और सोनेरेसिया, राइजोफोरा और सोनेरेसिया की जड़ें, ये पौधे दलदली स्थानों पर उगते हैं, दलदली मृदा में उगते हैं, और उस मृदा में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ये जड़ें बाहर की तरफ निकलकर खूंटीदार संरचना बना लेती हैं, और उसमें बहुत से छिद्र होते हैं, और ये श्वसन क्रिया में भाग लेती हैं, इसीलिए राइजोफोरा की जड़ों को और सोनेरेसिया की जड़ों को रिस्पायरेटरी रूट श्वसन मूल के नाम से जानते हैं। दिस टाइप ऑफ प्लांट आल्सो नोन एज मैनग्रोव प्लांट, इन पौधों को मैनग्रोव वनस्पतियां भी कहते हैं, मैनग्रोव पौधों के नाम से जाना जाता है। दूसरे शब्दों में बच्चों याद रखिए कि मैनग्रोव प्लांट्स रूट आर रिस्पायरेशन प्रोसेस, टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन आल्सो नोन एज रिस्पायरेटरी रूट, ऐसी जड़ों को श्वसन मूल कहते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग स्टोरेज रूट, संग्राहक जड़ें, बच्चों ये स्टोरेज जड़ें सम टाइप ऑफ प्लांट्स टाइप रूट फूड स्टोरेज इन नेचर एंड मॉडिफाइड चेंज आवर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी इन डिफरेंट शेप्स, कुछ पौधों की जड़ें भोजन संचय करने के कारण, कुछ पौधों की मूसला जड़ें जो होती हैं भोजन संचय करने के कारण भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न आकार में रूपांतरित हो जाती हैं, इसलिए इन जड़ों संग्राहक जड़ों को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं, ये संग्राहक जड़े दी जाते फूड स्टोरेज एंड मॉडिफाइड इन डिफरेंट फॉर्म, ये भोजन संचित करने के कारण मॉडिफाइड रूपांतरित हो जाती डिफरेंट फॉर्म भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न रूपों में क्या होती हैं रूपांतरित हो जाती है। जैसे सबसे पहला है बच्चों कॉनिकल रूप, शंकु रूप, शंकु रूप शंक ऐसी मूसला जड़े ऊपर
ज्यादा मोटा होती है और नीचे क्रमशः पतली होती आती हैं, संघ की आकृति बना लेती हैं भोजन संचय करने के कारण। और दिस टाइप ऑफ रूट्स आर फाउंड इन ड्यूकस कैरोटा, गाजर की जड़ें संघ रूप जो है, कॉनिकल फॉर्म ऑफ रूट टाइप रूट जो है गाजर की जड़ों में, ड्यूकस कैरोटा गाजर में संघ रूप की जड़ें पाई जाती हैं भोजन संचित करने के कारण। ये संघ की आकृति ये जड़ें ऊपर मोटी और नीचे धीरे धीरे क्रमशः पतली होती जाती हैं, इसको क्या कहते हैं, संघ रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, संघ रूप बच्चों ये गाजर में पाया जाता है। जैसे ऐसी जड़ें क्रमशः इस तरह बना। अब दूसरा है फ्यूजीफॉर्म कर्क रूट, दिस टाइप ऑफ रूट गिव प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट। इस तरह की मुसला जड़ मुख्य जड़ होती है, प्राइमरी जड़ जो होती है ये जो है सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट तृतीय और द्वितीय जड़ें इससे उत्पन्न होती हैं और फाउंड इन राइफनेस टाइप ऑफ मूली की जड़। ये जड़ें क्रमशः ऊपर पतली फिर बीच में मोटी और नीचे पतली होती जाती हैं और इससे प्राथमिक द्वितीय अरे द्वितीय और तृतीय जड़ें निकली होती हैं। तो मूली में भोजन संचित करने के कारण ये किस आकृति का हो जाता, तर्क रूप, और गाजर संक रूप। जैसे ये संरचना इस तरह से है, इस तरह से ये आपका ये मूली है, इस प्राथमिक जड़ इससे द्वितीय और तृतीय जड़ें निकली हुई है, ये ऊपर पतला और बीच में मोटा और नीचे पुनः पतली होती जाती है। इस तरह से मूली की जड़ राइफनेस टाइबा में फ्यूजीफॉर्म मॉडिफिकेशन है, इसको तर्क रूप कहते हैं। अब नेपीफॉर्म कुंभी रूप बच्चों, नेपीफॉर्म दीज आर फाउंड इन ब्रेसिका रेपा एंड बीटा वल्गेरिस। इस तरह की जड़ें जो है कुंभी रूप की जड़ें जो है ये ऊपर क्रमशः चौड़ा होकर के एक कुंभ एक घड़े की आकृति बनाकर नीचे एकाएक पतली हो जाती हैं, ऐसी जड़ों को कुंभी रूप नेपीफॉर्म रूप कहते हैं। तो ब्रेसिका रेपा सलजम और बीटा वल्गेरिस चुकंदर में ये पाई जाती है जड़ें। तो इस तरह से बच्चों अगला है ट्यूबरस कंदिल जड़ें, ये जड़े किसी भी स्थान पर फूलकर मोटी हो जाती है। ट्यूबरस ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर है और फूड स्टोरेज होने के कारण किसी भी स्थान पर ये फूलकर मोटी हो जाती है भोजन संचित होने के कारण, और इनका अनिश्चित आकार होता है, इनका आकार इनका निश्चित कोई आकार नहीं होता है, ठीक है ना। किसी रूप में सॉइल कर जाती है, जैसे मेरा विलेज की जड़े। इस तरह से बच्चों फूड स्टोरेज इन नेचर की इम्पोर्टेंट मॉडिफिकेशन रूट टाइप रूट, मुसला जड़ जो है भोजन संचित करने के कारण भिन्न भिन्न रूपों में रूपांतरित हो जाती है, जिसको याद रखेंगे संक रूप, तर्क रूप, कुंभी रूप और जो है कंदिल, ठीक है ना। तो संक रूप याद रखिएगा जो है, संक रूप जो है कोनिकल फॉर्म गाजर में पाया जाता है, फ्यूजी फॉर्म तर्क रूप जो है मूली में, और नेपी फॉर्म कुंभी रूप जो है सलजम और चुकंदर में, जबकि ट्यूबरस कंदिल जड़े मेरा विलेज में पाई जाती है। तो दीज आर दी मेनी मॉडिफिकेशन ऑफ टाइप रूट इन फूड स्टोरेज नेचर एंड अदर मॉडिफिकेशन लाइक द रिस्पायरेटरी रूट एंड गुटरस रूट सपोर्टिंग रूट। इस तरह से हम लोग देखे कि सिम्बियाटिक रूप के रूप में, सहजीवी जड़ों के रूप में, सिम्बियासिस के रूप में, और नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में ये, और सपोर्ट प्लांट सपोर्ट के रूप में, और ये रिस्पायरेशन रिस्पायरेटरी रूट के रूप में, और फूड स्टोरेज इन नेचर भोजन संचय के रूप में भी ये कार्य करती हैं। तो दीज आर दी मेनी मॉडिफिकेशन ऑफ टाइप रूट। तो बच्चों इस तरह से मूसला जड़ों के भिन्न भिन्न रूपांतरण हम लोग पढ़े। अब अगले वीडियो में जो है हम लोग एडवेंटिटियस
रूप के मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखें और नए बच्चे प्लेलिस्ट में जाकर पीछे की वीडियो प्राप्त कर लें। सारे वीडियो जो भी लेसन पढ़ाए गए हैं उसमें स्टोर्ड है और उसको पढ़कर नोट्स तैयार करें। थैंक।